गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बच्चों गुड आफ्टरनून बच्चों गुड आफ्टरनून सब नालायक कैसे हैं एकदम मजे में यस yes, सबको मेरी आवाज आ रही है सबको मेरी आवाज आ रही है क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे यस yes, यस yes, गुड आफ्टरनुड मस्त एकदम मस्त मजे में एकदम आनंद में क्या बात है क्या बात है मैं एकदम बढ़िया बेटा एकदम बढ़िया हूं चलो शुरू करता बेटा जी तो अपना सीएमए सीएमएर शुरू करते हैं यस मुझे बताइए सीएमए में जितना मैंने कल तक पढ़ाया था सारा बच्चों बेसिक क्लियर है क्या बोलना बोलो नालाइक फटाफट रिवाइज करते हैं मुझे बताइए एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच बताओ नालायक एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट के तीन टाइप कौन से होते हैं बोलो कौन से होते हैं पर्सनल पर्सनल अकाउंट अकाउंट रियल एंड नॉमिनल का रूल क्या है डेबिट द रिसीवर डिट द गिवर रियल का रूल क्या डेबिट वट कम सीन क्रेडिट वोज आउट नॉर्मिनल का रूल क्या डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स मेरे बच्चा लोग ओके बेटा फिर मुझे बताइए बेटा फिर मुझे बताइए एज पर मॉडर्न अप्रोच एज पर मॉडर्न अप्रोच कितने अकाउंट थे पांच बोलो क्या क्या ओके बेटा मॉडर्न बेटा कितने बच्चे पाँच थे बच्चों पांच थे बोलो क्या क्या था एसेट लाइबिटी कैपिटल एक्सपेंस इनकम पहले बोलो सबका नेचर बताओ एसेट का नेचर क्या डेबिट लाइबिटी क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट लाइबिटी क्रेडिट कैपिटल क्रेडिट सिंपल भाषा में बोलोगा सिर्फ एसेट और एक्सपेंस क्या है डेबिट बाकी सबको ने क्रेडिट है को रूल बताया था अगर कोई चीज एसेट है सेड का नेचर क्या डेबिट है एसेड बढ़ता है तो और डेबिट होगा और एसेड कम हुआ तो क्या होगा क्रेडिट उल्टा होगा बेटा जी लाइब्रिटी का नेचर क्या है क्रेडिट है लाइब्रिटी बच्चों अगर बढ़ती है नेचर क्रेडिट है बढ़ा तो क्या होगा क्रेडिट बढ़ा तो जो नेचर वैसा जो होगा लाइब्रिटी को ना बेटा जी क्रेडिट तो बढ़ा तो क्या होगा और क्रेडिट और कम हुआ तो क्या होगा डेबिट कैपिटल का नेचर क्या है क्रेडिट बढ़ा तो और क्रेडिट कम हुआ तो डेबिट

ओके okay, ट्रेडिशनल से बताओ मॉडर्न से आपकी मर्जी बेटा फिर हम देखेंगे इनमें से कौन डेबिट और कौन क्रेडिट और इन सबको बेटा पढ़ने से पहले एक बार बताना चाहूंगा बच्चा लोग ये अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन आप पढ़ते हो ना ये सारे ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कहां पे करते जर्नल बुक में वो रिकॉर्ड ऑल इन द जर्नल बुक ये सारे ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कहां पर जर्नल बुक में क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं और भाई साहब जर्नल बुक में और भाई साहब जर्नल बुक में अगर आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है ये सारे ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड बच्चे कहा जर्नल बुक में अगर जर्नल बुक में सारे ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करने अगर जर्नल बुक में सारे प्रश्न बेटा जब आपको रिकॉर्ड करने तो हम लोग क्या करेंगे जर्नल बुक में सब कुछ बेटा जब आपको रिकॉर्ड करने हम लोग क्या करेंगे बोलो बच्चा लोग तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए आपको बना पड़ेगा जर्नल समझ के लिए व फॉर्मेट ऑफ जर्नल अब देखो जर्नल का फॉर्मेट क्या है जर्नल बुक का फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट ये होता है फॉर्मेट ऑफ जर्नल बुक बोलो भाई साहब जर्नल का फॉर्मेट क्या है जर्नल में कॉलम कितने होते हैं पांच कितने कॉलम होते हैं पांच बोलो क्या क्या डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट ओके जर्नल हमेशा हम मेंटेन करते टाइम वाइज ऐसे कभी नहीं होगा पहले इंटरव्यू की पांच तारीख की फिर इंटरव्यू की तीन तारीख की हमेशा टाइम वाइज पहले इंटरव्यू की एक तारीख की फिर दो तारीख फिर तीन तारीख हम टाइम वाइज जाएंगे ओके लोग तो जर्नल बुक में हम जाएंगे डेट वाइज ओके तो जर्नल में वी रेकॉर्ड इन जर्नल वी रेकॉर्ड ट्रांजेक्शन Time wise. आपको पता है क्या जहां टाइम वाइज रिकॉर्ड करते उसे हम लोग क्या बोलते हो क्रोनोलॉजिकल तो एग्जाम में सकता है इन जर्नल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग इन विच ऑर्डर किसने बच्चा लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका मतलब क्या टाइम वाइज एक तारीख दो तारीख तीन तारीख इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समय के साथ होता है बच्चा लोग ओके okay? एकदम चिल मार के ये सारा बच्चों बेसिक आपको पता होगा पर जो बच्चे नॉन कॉमर्स वाले एक बार समझ के लीजिए अभी हमको ट्रांजैक्शन उसकी एंट्री जर्नल ये सारी बातें साथ में डिस्कस करनी है अब अगला पौन से एक घंटा बहुत ध्यान से बेटा समझना है बहुत ध्यान से सुनना है बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है जब मैं पूछूंगा तभी आंसर देने का जब तक नहीं पूछूंगा आंसर मत देना और जब मैं पूछूंगा तब आंसर दिए बिना मत देना बेटा जी तब आंसर जरूर देना आपको जब मैं पूछूंगा तब ठीक है चलिए डेंटा एंड अब ये ट्रांजैक्शन आपके सामने है <coughs> ओके आराम से क्वेश्चन को पढ़िए आराम से क्वेश्चन पढ़िए इतने सारे ट्रांजैक्शन आपके सामने है देखते किसका बेसिक स्ट्रांग है और किसके सभी आंसर सही आते हैं देखते किस में कितना दम है आराम से देखिए क्या बोले प्लीज सम के थीम समझो क्या कह फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन ऑफ आर सिंह एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ये सारे ट्रांजैक्शन किसके बेटा जी our, sing, आर सिंह एंड कंपनी मतलब आर सिंह का जो बुक से उसमें लिख रहे बेटा जी मुझे आता जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है थिंक फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू बुक्स किसका है आर सिंह का ओके okay, तो आर सिंह के बुक्स ऑफ अकाउंट में अब हम एंट्री करने जा रहे यस yes? सबसे पहले बेटा घटना कब घटी एक जुलाई को एक जुलाई को क्या क्या आर सिंह ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने कैश साथ आठ हजार बेटा एंट्री बताने का नहीं एंट्री बताने का नहीं गही मत करना मयूरेश गही मत करना मयूरेश बेटा मुझे बताइए थिंक लॉजिकली एक जुलाई को आर सिंह ने बिजनेस स्टार्ट किया एक जुलाई को बेटा जी आर सिंह ने बिजनेस स्टार्ट किया से आर सिंह इज ओनर कौन बताएगा ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया मतलब क्या ओनर ने आठ हजार रुपए इन्वेस्ट किए मैंने आपको फर्स्ट को बताया था ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया ओनर उससे क्या बोलेगा ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया ओनर उसे क्या सर जी ओनर उसे बोलेगा इन्वेस्टमेंट बट बिजनेस उसे क्या बोलेगा कैपिटल बिजनेस उसे क्या बोलेगा कैपिटल ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट के, वो बिजनेस के लिए क्या है? है वो बिजनेस के लिए क्या है कैपिटल है बिजनेस के लिए क्या है कैपिटल है. मेरा पहला सवाल यह है स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश आठ हजार के कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया इस क्वेश्चन में कौन से दो अकाउंट इन है मैंने कल बताया था बच्चा जी आपको हर चीज में होते दो अकाउंट बोलो यहां पे कौन से दो अकाउंट इन तो कैश तो मुझे दिख रहा है कैश तो मुझे दिख रहा है वेरी सेकंड अकाउंट बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो पैसा देते हैं बिजनेस उसे क्या बोलेगा कैपिटल तो कैपिटल इज हिडन अकाउंट कैपिटलिज हिडन अकाउंट कैश और कैपिटल एक काम करते हैं दो अकाउंट तो मिल गया अब मुझे देखना है क्या इन अकाउंट का नेचर देखना है कौन सा अकाउंट क्या होगा डेबिट और कौन सा क्या होगा क्रेडिट हो कौन सा अकाउंट क्या होगा डेबिट कौन सा क्या क्रेडिट होगा उसके लिए हम लोग सोचेंगे मोस्टली गो मॉडर्न अप्रोच गो मॉडर्न अप्रोचे कौन बताएगा मॉडर्न अप्रोच में कितने अकाउंट थे पांच एसेट लाइबिलिटी कैपिटल इनकम एक्सपेंस आराम से सोच के बताओ इसमें से कैश किस में आएगा बोलो कैश किस में आएगा इज इट एसेट इज इट लाइबिटी इज इट कैपिटल इज इट इनकम कैश कहां पर आएगा बोलो कैश क्या है सर जी कैश इज द एसेट ना कैश हमारा कौन है एसेटे कैश पैसा चीजे एंट्रिटे वो हमारा कौन एसेट है एसेटे और भाई साहब कैपिटल तो कैपिटलिटे पांच बातें दिमाग में रखो एसेट लाइबिटी कैपिटल इनकम और एक्सपेंस कैश कौन है आपका एसेट है और कैपिटल कौन है आपका कैपिटल ओके अब रूल याद रखना रूल क्या आता है अब मैं कंफ्यूज हूं डेबिट करूं या क्रेडिट करूं मैं यहां पे फिर से लिखता हूं देखो जो बच्चे बेटा देखो जिनका बेटा बेसिक स्ट्रॉग है उनकी बात नहीं कर बेटा जी जिनका बेसिक वीक है उनके लिए और बेटा मैं सबको साथ में लेके चलूंगा सबको साथ में लेके चलूंगा मैं क्या बात कर रहा हूं स्टार्टेड बिजनेस थ कैश इसमें दो कौन है कौन कौन से कैश और कैपिटल कैश का नेचर क्या होता है एसेट और भाई साहब कैपिटल कौन है आपका कैपिटल है अब मैं कंफ्यूज हूं कौन सा अकाउंट डेबिट करूं कौन सा अकाउंट क्या करूं क्रेडिट करूं अब दिमाग कैसे चलाएंगे चलो मुझे सब लोग बच्चे बताएंगे पहले कैश के लिए सोचते मुझे कैश कौन है एसेट है एसेट का इनबिल्ट नेचर क्या है बोलो चो का इनबिल्ट नेचर क्या है सर जी का इनबिल्ट नेचर है डेबिट है. सर कल आपने बोला था एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा और एसेट कम होगा तो क्या होगा क्रेडिट एसेट का नेचर से डेबिट है वो बढ़ेगा तो क्या होगा डेबिट और कम होगा तो क्या होगा क्रेडिट अब मेरा पहला सवाल है यहां पे एसेट मतलब कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है फटाफट बच्चे जवाब देंगे बोलो कैश यहां पे बढ़ रहा है या कम हो रहा है एसेट मतलब कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है Think from business point. याद रखना हम ट्रांजैक्शन हमेशा रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नॉट फ्रॉम ओनर ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस से पैसा जा रहा है या बिजनेस में आ रहा है अरे सर जी बिजनेस में पैसा आ रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने आठ हजार रूपए इन्वेस्ट किए तो बिजनेस में पैसा आ रहा है पैसा आ रहा है तो बिजनेस में कैश बढ़ रहा है बच्चों बिजनेस में अगर कैश कैश in अगर बढ़ रहा है कैश मतलब कौन है एसेट है अरे नालायक एसेट अगर बढ़ रहा है तो एसेट अगर बढ़ता है तो हम क्या करेंगे उसका अकाउंट क्या करेंगे डेबिट कैश नाम का एसेट बढ़ रहा है तो उसका अकाउंट हम क्या करेंगे डेबिट कैश नाम का एसेड क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो उसका अकाउंट हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे अब नालायक बोलो अब हम क्या होगा बेटा जी कैपिटल अब बच्चा क्या होगा कैपिटल अब नालायक क्या होगा कैपिटल अब आप बात करते हैं कैपिटल की अब हम बात करते कैपिटल की यस yes? अब बच्चा जी मुझे बताइए अब बच्चा जी मुझे बताइए अगर बेटा जी मैं बात करूंगा कैपिटल की अगर बेटा जी बात करूंगा मैं कैपिटल की यस yes? मुझे बताइए कैपिटल इताराम सोचिए बेटा मुझे कैपिटल पैसा इन्वेस्ट के बिजनेस में तो बिजनेस का कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा है जितना पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा तो सर जी या फिर कैपिटल बढ़ रहा है और मैंने कल आपको बताया था कैपिटल का नेचर क्या होता है क्रेडिट कैपिटल बढ़ेगा तो और क्रेडिट होगा कम होता क्या होता होगा डेबिट बिजनेस का कैपिटल बढ़ रहा है कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा क्रेडिट बात समझ में आ रहा है क्या हर बढ़ना मतलब डेबिट नहीं होता है उसका जो नेचर है अरे एसेट का नेचर क्या है डेबिट है तो एसेट बढ़ा तो क्या होगा डेबिट कैपिटल का नेचर क्या है क्रेडिट है तो कैपिटल बढ़ा तो क्या होगा क्रेडिट अरे भाई साहब बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है एसेट बढ़ रहा है तो क्या होगा डेबिट और भाई साहब बिजनेस में कैपिटल भी बढ़ रहा है उस नेचर क्या है क्रेडिट है तो वो क्या होगा क्रेडिट होगा ओके okay, बच्चा लोग कोई तकलीफ इसमें कोई तकलीफ इसमें एकदम आराम से एकदम आराम से तो ये तो क्लियर होगा कि भाई साहब कैश अकाउंट हमें क्या करना है डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट हमें क्या करना है क्रेडिट करना है कैश और है। क्या होगा डेबिट और कैपिटल क्रेडिट अब लिखते कैसे इसको कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है कैश तो हम क्या लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड कैश अकाउंट डेबिटेड डेबिट कौन हो रहा है कैश हमने कैश अकाउंट क्या किया डेबिट और कौन सा देखो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश के सामने क्या लिखो डी आर डी आर मतलब क्या होगा डेबिट कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है कैपिटल तो कैपिटल को अगर क्रेडिट करना है उसके पीछे लिखो टू इसका मतलब क्या कैश के सामने डी लिखा इसका मतलब क्या है कैश अकाउंट आपने डेबिट किया और कैपिटल के पहले टू लिखा इसका मतलब क्या है कैपिटल अकाउंट क्या क्या लिखा है सर ऐसा हमेशा होता है हा बेटा जी जो अकाउंट डेबिट करते उसके सामने लिखते डी और जो अकाउंट हमें क्रेडिट करना है उसके पीछे लिखते टू ये जर्नल का रूल है बेटा जी तो जो बच्चे नॉन कॉमर्स वाले अंडरस्टैंड कर पा हैं। ओके okay, बेटा मुझे यहां पे ऐसे कितने बच्चे जो जर्नल एंट्री लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे मुझे बच्चे ऐसे कितने बच्चे जो जर्नल एंट्री लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे बताए मुझे <coughs> देखो जो कॉमर्स वाले बच्चे इलेवन में सब कुछ पढ़ा है आप लोगों ने मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा लेकिन मुझे यहां पे कंसर्न है ऐसा बच्चा जिसने पहले कभी नहीं पढ़ा है क्योंकि बेटा आप मेरे भरोसे आप पूरा पूरा बेसिक से बेटा मेरे भरोसे बेटा जी तो मेरी ये पूरी जिम्मेदारी कि आपको एकदम परफेक्ट बेसिक से पढ़ा मेरी जिम्मेदारी बेटा जी ओके ओके तो हर्षल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे जनरल कोई दिक्कत नहीं बेटा जी हर्षल आपको समझ में आ रहा है बेटा हर्षल हर्षिका अनिवेश समझ में आ रहा है बेटा जी समझ में आ रहा है यस समझ में आ रहा है ओके okay. एकदम क्लियर बच्चा चलो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं ये हो गया फोर्ट ट्रांजेक्शन तो यहां पे हमने क्या बोला कैश कौन क्या हो गया डेबिट और कैपिटल क्या होगा क्रेडिट हो 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 हम और भी क्वेश्चन करेंगे अच्छे से बड़े समझे अच्छे समझेगा बेटा जी ओके यस 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 नाउ देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब ट्रांजेक्शन नंबर टू पढ़ो क्या बोला कैश पेड इन टू द बैंक थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कैश पेड इंटू द बैंक सोचो क्या हुआ होगा सोचो क्या होगा सोचो बिजनेस में पैसा होगा जैसे सोचो आप कोनो आर आपका बिजनेस है। आपके बिजनेस में पांच हजार रुपए आए थे पांच हजार की कैश आई थी कैश रख के क्या करेंगे छोड़ हो जाएगी तो आपने सोचा इस कैश को बैंक में जमा करते हैं। तो कैश पेड इन टू द बैंक पेड मतलब डिपॉजिट किया कहां पे बैंक में क्या निकाला कैश कहां पे डाला बैंक में अब चलो बताइए इस क्वेश्चन में कौन से दो अकाउंट बोलो बच्चों कौन से दो अकाउंट है बोलो भाई साहब कौन से दो अकाउंट है सर जी कैश एंड बैंक ये दो अकाउंट है कौन से कैश एंड बैंक ये दो अकाउंट है ओके okay, अब इसको हम आराम से समझ के लेते हैं आराम से समझ के लेते हैं अपने तरीके से मैं क्या लिखता हूं कैश पेड इनटू बैंक बताना ना लायक कितने अकाउंट दो कौन कौन से कैश और बैंक अब सब बच्चे मुझे जॉब देंगे एज पर मॉडर्न अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे मॉडर्न अप्रोच जो क्वाइट क्लियर है जो इजी है बेटा जी मुझे एज पर मॉडर्न अप्रोच कैश और बैंक ये कौन है कैश और बैंक ये कौन है एसेट लाइबिलिटी कैपिटल इनकम एक्सपेंस ये पांच में से जॉब देना बेटा जी कैश कौन है और बैंक कौन है कैश कोने और बैंक को बताइए अरे मुझे एंट्री नहीं चाहिए बेटा जी एंट्री मुझे भी आता है एंट्री मुझे भी आता है बेटा एंट्री मुझे भी आता है यस 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 आर दे इनकम आर दे, दे एक्सपेंस ना सर जी एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच आर एसेट क्या बात कर रहे हो सर दोनों एसेट है और दोनों का इनबिल्ट नेचर क्या डेबिट है दोनों एसेट है तो सिंपल है जो एसेट बढ़ेगा उसको डेबिट करो और जो एसेट कम होगा उसे क्या करोगे क्रेडिट जो एसेट बढ़ेगा उसे डेबिट करो और जो एसेट कम होगा क्रेडिट करो कैश पेड द बैंक बिजनेस के पॉइंट ऑफ सोचो मेरा कैश है और मेरा बैंक है कैश को जब बैंक में जमा करेंगे तो कौन सा से सेट कम होगा कौन सा क्रेड बढ़ेगा कैश पेड इंटू द बैंक इसका मतलब क्या को निकाला बिजनेस से कैश निकाला तो कैश नाम का एसेट कम हो गया बिजनेस से कैश निकाला मतलब कैश नाम का एसेट कम हो गया और वो कहा बैंक में बिजनेस से कैश नाम का एसेट निकाला और नाला बच्चों बैंक में बिजनेस से कैश बेटर लो है ओके ओके चलो चलो, मैं आपको क्या था? कैश पे टू बैंक बिजनेस से कैश निकाला तो कैश नाम का एसेट क्या होगा कम हो गया तो कैश नाम का अगर एसेट कम हो रहा है तो कैश अगर डिक्रीज हो रहा है कैश बड़ा डिक्रीज हो रहा है तो कैश है तो एसेट अगर कम होता है तो हम क्या करेंगे क्रेडिट कैश बेटा कम हो रहा है तो कैश क्या, क्या, क्या करेंगे क्रेडिट और नालायक और नालायक जो पैसा कहां पे जा रहा है बैंक में जा रहा है कैश जब बैंक में जमा करेंगे तो अपने जेब से कैश तो कम होगा बट बैंक बैलेंस बढ़ेगा बट बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक नाम का एसेट बढ़ेगा ना कैश नाम का एसेट कम होगा बट बैंक नाम का एसेट बढ़ेगा तो कैश नाम का एसेट कम होता है एसेट कम होना मतलब क्या है है, और बैंक नाम का एसेट बढ़ रहा है तो एसेट बढ़ना मतलब क्या है डेबिट है. है? है, है, है. तो तो है तो उसे डेबिट किया कैश नाम का एसेट कम हो रहा है उसे हमने क्रेडिट किया फाइनली पता चला हमने सोचा क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट तो फाइनली क्या पता चला कैश को हम क्या करेंगे क्रेडिट और बैंक को क्या करेंगे डेबिट कैश <ग्याश> क्या करेंगे क्रेडिट और बैंक क्या करेंगे डेबिट अब मुझे एंट्री के फॉर्म में लिखना है बोलो भाई साहब कौन सा अकाउंट बोलो भाई साहब कौन सा अकाउंट आप डेबिट कर रहे हो जी बैंक जो डेबिट करना है मैं क्या लिखूंगा बैंक अकाउंट सामने क्या लिखूंगा डी इसका मतलब क्या है बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है कैश मैंने पहले बोला है जो अकाउंट क्रेडिट करना है उसके पीछे टू लिखो जो डेबिट करना है उसके आगे डी आर लिखो और जो क्रेडिट करना है उसके पीछे टू लिखो तो कैसे बोलेंगे बैंक पढ़ेंगे ऐसे बैंक का अकाउंट डेबिटेड टू द कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू द कैश तो जो बच्चे नॉन कॉमर्स वाले जो जर्नल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे आपको समझ में आ रहा है बच्चा लोग आपको समझा क्या मैंने अकाउंट के टाइप कैसे पहचाने मैंने उसका नेचर कैसे पहचाना किसको डेबिट किया किसको क्रेडिट किया ये सारा दिमाग में जा रहा है क्या बोलो यस और नो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक सॉरी बैंक डेबिटेड टू कैश, एंट्री है आराम से एकदम आराम से छिन मार के अब बच्चों में बताने जा रहा हूं प्रदर्शन नंबर थ्री ओके थर्ड ट्रांजेक्शन बॉट स्टेशनरी फॉर कैश बॉट स्टेशनरी फॉर कैश बॉट मतलब बाय करना परचेस करना बॉट और बाय और परचेस हमने क्या बाय किया है स्टेशनरी कैसे कैश में उधारी में नहीं भाई कैश में बाय किया चलो पहले मुझे आता, हूं पहले बेटा मुझे आता हूं ईशा जी पांच अकाउंट स्किन पे ईशा जी पांच अकाउंट लिखुस्टा ईशाजी पांच बेटा, बेटा है जिसका नेचर डेबिट है लाइबिलिटी है, है बेटा उसके बाद बेटा एक्सपेंस है जिसका नेचर डेबिट है इनकम है जिसका नेचर बेटा क्रेडिट है और उसके बाद में कैपिटल का नेचर बेटा क्रेडिट है ये पांच अकाउंट है ठीक है चले आराम से आराम से रे इतना फास्ट नहीं भागने का मेरा अकाउंट वी के बेटा मेरा अकाउंट वी के नहीं तो आराम से करेंगे बेटा तुम एंट्री बताओ नाला क्या बोला बॉट स्टेशनरी फॉर कैश बोलो भाई साहब इस समय दो अकाउंट कौन से नोले सर जी स्टेशनरी और कैश सर जी स्टेशनरी और कैश ये दो अकाउंट इनोले स्टेशनरी फॉर कैश कैश पे लिया दो कण कोने स्टेशनरी और कैश मुझे बाकी कुछ नहीं पता है आप मुझे बेसिक से मुझे बताएंगे बोलो एस पर मॉडर्न अप्रोच पांच अकाउंट है एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस और कैपिटल आप बताओ स्टेशनरी कौन है और कैश कौन बता है बताइए स्टेशनरी कौन है और कैश कौन है बताइए बच्चों फटाफट बताओ स्टेशनरी कौन है कैश कौन है अरे सर जी स्टेशनरी कौन है एसेट है जो चीज है वो कौन है एसेट है और कैश भी कौन है एसेट है इन नेचर क्या है डेबिट ये तो लिख लिया हम लोगों ने ऐसा प्रॉपर एनालाइज करने का अब हम सोचेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट आपको पता है दोनों भी एसेट है जो एसेट बढ़ता है वो क्या होगा डेबिट जो एसेट कम होता है वो क्रेडिट कौन बताएगा स्टेशनरी और कैश में से कौन सा एसेट बढ़ रहा है कौन कम हो रहा है वॉट स्टेशनरी फॉर कैश अरे स्टेशनरी को परचेज किया कैश में तो मेरे पास कौन आया स्टेशनरी कौन गया कैश मैंने स्टेशनरी खरीदा मेरे पास कौन आया स्टेशनरी आया और कौन गया कैश मेरे पास स्टेशनरी आया और कौन गया कैश स्टेशनरी अगर मेरे पास आता है तो स्टेशनरी नाम का एसेट मेरे पास आया और कैश नाम का एसेट गया स्टेशनरी नाम का एसेट आया तो बच्चों स्टेशनरी क्या हो गया इंक्रीज हो गया और कैश नाम का एसेट गया तो कैश का डिक्रीज स्टेशनरी बढ़ रहा है और कैश क्या हो रहा है कम हो रहा है अब रूल सिंपल है जो एसेट बढ़ेगा वो क्या करेंगे डेबिट और जो एसेट कम होगा वो क्या करेंगे क्रेडिट अरे सर जी स्टेशनरी नाम का एसेट आ रहा है वो बढ़ रहा है तो उसे क्या करेंगे डेबिट और सर जी कैश नाम का एसेट कम हो रहा है तो उसे क्या करेंगे क्रेडिट कितना सिंपल है बच्चों कितना सिंपल है कोई मुश्किल है क्या नालायक तो स्टेशनरी को हमने क्या किया डेबिट किया और कैश को हमने क्या किया क्या? ये एंड रिजल्ट है स्टेशनरी क्या करेंगे डेबिट और कैश क्या करेंगे अब मुझे एंटर लिखने के बहुत कंफ्यूज मैं क्या सबसे पहले बोल डेबिट कौन है स्टेशनरी जिसको डेबिट किया सामने लिखो डी और कौन क्रेडिट किया है कैश जिसको क्रेडिट किया है पीछे लिखो टू जिसको डेबिट किया है सामने क्या लिखो डीआर तो और भाई साहब जिसको क्रेडिट किया है पीछे क्या लिखेंगे टू हो गया बोले एंट्री क्या होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश हो गया हो गया हो गया कोई तकलीफ कोई तकलीफ अब बताओ ये पहले तीन एंट्री सबको समझे क्या भले आप कॉमर्स वाले हो नॉन कॉमर्स वाले हो क्या सब इससे कंफर्टेबल है क्या बोले यस और नो सबको झेप रखना लाए

और कुछ लोग बेटा स्टेशनरी के बदले ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट भी लिखते हैं कुछ लोग बेटा जी ऑफिस अकाउंट भी लिखते हैं वो सारी बातें बाद में, देखें, में देखेंगे देखेंगे सारी बातें बाद में ओके अगर आपने अभी स्टेशनरी को एक्सपेंस बोला तो भी चलेगा इट डिपेंड्स अपॉन आपने कैसा खर्चा किया है फिर कैपिटल स्टेशनरी मतलब अपने लॉन्ग टर्म के लिए बेटा जी तो एसेट है और स्टेशनरी शॉर्ट टर्म के लिए बच्चे तो आपका एक्सपेंस है डिटेल में बाद में जाएंगे बच्चों अभी मेरा सिंपल पर्पज क्या है आपको डेबिट और क्रेडिट सिखाना मेरा पर्पज है बेटा जी ओके okay, वो मेरा पर्पज है ठीक है यस यस आंसर सेम आएगा आंसर सेम आएगा बेटा कुछ भी करो एंट्री सेम आएगी कुछ भी करो एंट्री सेम आएगी बेटा जी एंट्री सेम आएगी ठीक है चलिए अब ढेंटेड एंड निकिल कुमार ओनली फॉर सीएस के लिए बेटा सीएस वाले बच्चों के लिए सीएमए लिए के लिए नहीं बेटा सीएमए के लिए नहीं है सेकंड uh, लो क्या क्या बॉट गुड्स फॉर कैश बॉट गुड्स फॉर कैश हमने गुड्स को कैश में परचेस किया हमने गुड्स को कैश में परचेस किया यहां पे दो अकाउंट कौन, कौन से है कुछ बच्चे बोलेंगे सर गुड्स और कैश गुड्स और कैश ये दो अकाउंट है बट समटाइम्स हम गुड्स के बदले लिखते परचेस ओके okay? ये क्यों बेटा में आगे बताऊंगा बच्चों वी जनरल इन द अकाउंट वी नेवर यूज द वर्ड गुड्स वी सेन गुड्स आर कमिंग वी हैव परचेज द गुड्स वीन से दैट गुड्स आर गोइंग वी से दैट वी हैव सोल्ड द गुड्स तो गुड्स के लिए हम शब्द यूज करते परचेस या फिर सेल क्या बेटा जी परचेस या फिर सेल गुड्स अगर आया तो हम बोलेंगे परचेस और गुड बच्चों गया तो हमने क्या क्या सेल कैसे बोलते है? ये गुड्स के लिए हम लोग परचेस और सेल ये शब्द हम यूज करते हैं ओके okay, अब आराम से देखिए बॉट गुड्स फॉर कैश बॉट गुड्स फॉर कैश यहां पे दो शब्द कौन से थे गुड्स और कैश मैंने क्या बोला गुड्स को हम लोग नाम क्या देंगे परचेस चलो फटाफट बताओ कौन से अकाउंट का क्या नेचर है बोलो परचेस कैसा अकाउंट है इज इट एसेट इज इट लाइबिलिटी इज इट इनकम एक्सपेंस क्या परचेस कौन है बेटा जी बोलो 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 भाई साहब सर जी परचेस करना ये तो खर्चा हो गया सर जी परचेस करना यह तो खर्चा हो गया तो परचेस मेरा कौन है एक्सपेंस और एक्सपेंस का इनबिल्ट नेचर क्या है डेबिट है सर कैश कौन है है कैश का नेचर क्या है डेबिट है यस yes. परचेस करना मेरा खर्चा है एक्सपेंस है और कैश मेरा एसेट है रू सिंपल है परचेस भी डेबिट है और कैश भी डेबिट है परचेस क्या बोलता है खर्चा बढ़ेगा एक्सपेंस का नेचर डेबिट है एक्सपेंस बढ़ेगा तो और डेबिट करो एक्सपेंस कम होगा तो और क्रेडिट करो और कैश एसेट है रूल सिंपल है एसेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे एक्सपेंस और एसेट तो में से सॉरी एक्सपेंस और कैश में से कौन बढ़ रहा है कौन कम हो रहा है अरे सर जी आपने गुड्स को परचेस किया सोचो गुड्स को परचेस किया आपका खर्चा कम हुआ या बढ़ गया सुबह सुबह आप दुकान में गए पार्ले जी लाया परचेस किया दोपहर में दुकान में गए आपने कैडबर लाया शाम को दुकान में गए शाम को दुकान में गए आपने लेस का पैकेट लाया पापा बोलने लगा कर क्या रहा है बोलता है सर मैं परचेस क्या भाड़ में तो खर्चे कितने बढ़ा रहा है तो जब एक एक चीज परचेस करता है तो अपना घर का खर्चा बढ़ता है ना तो परचेस करने से एक्सपेंस क्या हो रहा है बढ़ रहा है परचेस करने से एक्सपेंस क्या हो रहा है बढ़ रहा है अरे भाई साहब खर्चा अगर बढ़ रहा है खर्चा अगर बढ़ रहा है तो परचेस का अकाउंट खर्चा बढ़ रहा है मतलब परचेस क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो सक क्या करेंगे डेबिट खर्चा अगर बढ़ रहा है तो परचेस क्या आ रहा है बढ़ रहा है अकाउंट का करेंगे डेबिट और भाई साहब उसके लिए पैसा मिल रहा है या देना पड़ रहा है सर जी पैसा देना पड़ रहा है तो सर कैश कम हो रही है अगर कैश कम हो रही है उस अकाउंट क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे परचेस करने से खर्चा बढ़ता है तो खर्चा बढ़ना मतलब और क्या होगा डेबिट तो क्या, क्या करेंगे डेबिट और कैश जा रहा है तो कैश हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे स्पीड ठीक है क्या फास्ट नहीं हो रहा है अगर स्लो लग रहा होगा बेटा मैं कुछ नहीं कर मैं सबको मैं साथ में लेके चलना है। एक बार सबका बेस परफेक्ट होगा फिर, बेटा जी, में में फिर में मुझे स्लो ही रखना पड़ेगा बस किसी को दिक्कत होगी तो बिंदास पूछे, बिंदास, बिंदास गुड्स को बच्चों खरीदने से अपना खर्चा बढ़ता है तो हम क्या करेंगे गुड्स परचेस का कौन क्या करेंगे डेबिट गुड्स डेबिट मत करना पर्चेस को डेबिट करेंगे और पैसा कम होने से कैश क्या होता है कम तो कैश को हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे डेंटेड एंड तो बोलो एंट्री क्या होगी कौन सा कौन डेबिट है सर जी परचेस अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट सर जी परचेस को डेबिट किया तो परचेस अकाउंट सबने क्या लिखा डेबिट का डीआर और सर जी कैश को आपने क्या किया क्रेडिट तो कैश के पीछे क्या लिखा टू लिखा हो गया हो गया हो गया नालायक हो गया नालायक एकदम सॉर्टेड एकदम छिल मार के, एक के, पूरा समझ में आ रहा है तो क्या सबको जर्नल एंट्री का क्रक समझ में आ रहा है क्या सर हमको बेसिक क्यों सिखा रहे हो भाई साहब मुझे पता है आपने इलेवन ट्वेल्व अकाउंट पढ़ा है बट बच्चों आपके सिलाबस में पांच जर्नल एंट्री के चैप्टर से भले इलेवेंट का बेस कितना भी स्ट्रांग होगा बेटा जी बड़े ट्रस्ट में जब मैं आपको इशू ऑफ आप शेयर की रिडमोशन ऑफ शेयर की डिबेंचर के इशू की डिबेंचर अंडर राइटिंग की बाईब की जब मैं एंट्री बताऊंगा तो हालत खराब हो जाएगी बेटा क्योंकि वहां पे क्या होता है रट्टा मार के पड़ते तो मैं सबसे पहले बेटा जी आपका बेस परफेक्ट करके जा रहा हूं बेस परफेक्ट कर रहा हूं ताकि आगे कोई भी टाइप की एंट्री हो कितनी भी एडवांस एंट्री हो आपको तकलीफ नहीं आनी चाहिए यस में आ रहा है? मेरा सिंपल बच्चों इंटेंशन आपका आगे का जर्नी इजी करे इंटेंशन है और भाई साहब देखिए बच्चों आज बच्चों अपने YouTube का लास्ट सेशन YouTube का लास्ट मेरा सेशन है और अगर बच्चों बच्चो देखो अगर बच्चों अभी तक जितना भी बेसिक पढ़ा एफ एम का सीएम का, का अच्छा लगा होगा तो जरूर बेटा कमेंट करके वीडियो के वीडियो के नीचे कमेंट में आप जरूर बेटा बताइए चैट बॉक्स में बेटा बोलते कमेंट बताइए बेटा क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमें और कुछ भी बेटा सजेशन होगा तो भी लिखिए सो दैट वी कैन इंप्रूव और नेक्स्ट लेक्चर अच्छा लगा तो बताइए और बेटा बुरा लगा तो भी बताइए ओके okay? कोई तकलीफ की बात नहीं है चलिए 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 नेक्स्ट 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 अगला बॉट अ पोस्टेज स्टैम बॉट पोस्टेज टैम्स बॉट अ पोस्टेज स्टैम पोस्टेज़ टैम पता है क्या होता है से पता नहीं आजकल ही भेजते हैं बेटा पहले इसके जमाने में जब पोस्ट भेजे ना भी बेटा तो पोस्ट पे कुछ स्टैंप चिपकाना पड़ता कभी घर में देखा होगा बेटा जी पोस्ट पे तो स्टैंप चिपकाते हैं ऑफिस में बेटा जी पोस्ट पे स्टैंप चिपकाते देखो वो स्टैंप ले के आए बेटा जी क्या बोला है बॉट मतलब परिचय किया पोस्टेज स्टैंप कैसे कैश में लाया ना और ये हां पोस्टेज स्टैंप लाया ओके 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 पोस्टेज स्टैंप लाया सुनो बेटा सुनो 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 रुको रुको नालायक रुको नालायक रुको नालायक बच्चे बहुत घाई कर रहे बच्चे बहुत घाई कर रहे रुके 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 मैं यहां पे लिख रहा हूं बॉट पोस्टेज स्टैंप फॉर कैश एंड बॉट पोस्टेज स्टैंप मैं दो बातें बता रहा हूं यस बॉट अ पोस्टेज स्टैंप फॉर कैश एंड बॉट पोस्टेज स्टैंप ओके आ बेटा जी प्लीज समझना अच्छे से प्लीज समझना अच्छे से बेटा जी क्या बोले बहुत पोस्टेज स्टैम्प फॉर कैश बताओ यहां पे कौन से दो कड़े लो ले कौन से दो कड़े लो ले सर जी पहला क्या है पोस्टेज स्टैम्प है सर जी दूसरा कोने कैश है सर पहला कोने पोस्टेज पे दूसरा कोश है कुछ लोग पोस्टेज स्टैंप को ऑफिस एक्सपेंस बोलते कुछ लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते आपने नाम कुछ भी दिया तो भी चलेगा फर्क नहीं पड़ता हम उसी में नहीं जाएंगे बेटा जी अब हम ऑफिस टाइम पे बोलेंगे मेरा पहला सवाल है ऑफिस स्टैम्प और कैश उनका नेचर बताओ क्या है? बोलो कैश एसेट है ये बच्चा बच्चा जानता है बट पोस्टेज स्टैंप क्या है इज इट एसेट अरे नहीं ना बेटा स्टैंप कैप का छोटा मोटा खर्चा है स्टैंप कैप का छोटा खर्चा है तो पोस्टेज स्टैम्प कौन है तो कोने आपका है भाई साहब कैश तो आपका एसेट है बट पोस्टेज स्टैम कौन है आपका है नेचर बोलो क्या पोस्टेज स्टैम्प कौन है आपका एक्सपेंस तो, तो इनबिल्ट नेचर क्या है है कैश कौन है तो इनबिल्ट नेचर क्या है है इनबिल्ट नेचर क्या है डेबिट है बिल्ड नेचर डेबिट है। अब बताओ अब बताओ नालायक कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट पोस्टेज टाइम को आपने परचेज किया खर्चा बढ़ाया हाँ तो करेंगे? करेंगे। और पैसा गया कैश गया तो कैश का अकाउंट क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे खर्चों का अकाउंट क्या करेंगे डेबिट और कैश हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे और नो नालायक जीपरा बच्चा लोग तो बोलो भाई साहब एंट्री क्या पास करेंगे सरजी पोस्टेज स्टैंप अकाउंट सर जी पोस्टेज स्टैंप अकाउंट डेबिट पोस्टेज स्टैंप अकाउंट क्या करेंगे डेबिट और सरजी कैश अकाउंट हम क्या करेंगे क्रेडिट पोस्टेज स्टैंप क्या होगा डेबिट और सरजी कैश क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे दें. समझा क्या भाई साहब बड़े मज़ेदार बार बोलू इस क्वेश्चन में क्या था परचेस पोस्टेज स्टैम्प समझ तो एंट्री पास की अब अदा कितने बच्चों की पहले से ये एंट्री आ रही थी आप देखो निवेश 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 मैंने पहले बताया बेटा जी स्टेशनरी को आप एसेट लो एक्सपेंस लो इट डजंट मेक ए डिफरेंस बस स्टेशनरी का नेचर बेटा अलग होता है बेटा जी स्टेशनरी में सुन बेटा सम टाइम बेटा लेके अपना ऑफिस के प्रिंटर लाया ला बेटा जी तो प्रिंटर इज अ स्टेशनरी बट इज एसेट आल्सो जी बेटा जी बट स्टैंप नहीं होता बेटा? स्टेशनरी स्टेशनरी हम लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए बेटा संभालते तो ये भी हो सकता बेटा, एक्सपेंस होता है बट बेटा स्टैंप हमेशा हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते स्टैंप इज ऑलवेज एक्सपेंस राइट थी नालायक अब बोलू क्या जिन लोगों ने ये एंट्री पास की थी उन सबका आंसर गलत है उन सबका आंसर गलत है सर क्यों अरे बेटा जी क्वेश्चन क्या पूछा था पर बॉट पोस्टेज टाइम पूछा था बट फॉर कैश बोला था क्या आगे फॉर कैश वर्ड था क्या नहीं था सर तो याद रखिए इफ नथिंग इज मेंशन कैश का जिक्र नहीं किया है अगर सिर्फ बोला है बॉट पोस्टेज टाइम सिर्फ बोला बॉट पोस्टेज टाइम फॉर कैश वर्ड नहीं दिया है तो ऑलवेज अजूम दैट हमने क्रेडिट में परचेज किया हमने क्या किया है क्रेडिट में परचेज किया उधार में परचेज किया समझा क्या ले जब बोलेंगे बॉट पोस्टेज स्टैम फॉर कैश बोलेंगे तो आपने कैश में परचेज किया जब ये फॉर कैश ये जिक्र नहीं होता है ऑलवेज अज्यूम दैट आपने क्रेडिट में परचेज किया ढेंटड एंड अब पूरी एंट्री बदलेगी बोलो सर क्या बदलेगी बॉट पोस्टेज फॉर स्टैम अब दो अकाउंट कौन से हो गए सरजीत पोस्टेज स्टैंप तो है क्या अब यहां पे कैश शब्द आएगा क्या यहां पे क्या शब्द आएगा नहीं सर जी कैश में परचेस नहीं किया तो क्या होगा मतलब उधार में लेके आए थे उधार में लेके आए हाँ सर उधार में लेके आए थे कुछ साल उठेंगे हाँ साल उठेंगे क्या उठेगा सवाल अरे आपको यह पूछा जाएगा आप किससे उधार लेके आओ पूछा जाएगा ना आपको यह पूछा जाएगा अरे भाई तू किससे उधार लेकर मान लो मान लो मान लो आप घर में मान लो बेटा जी आज आप घर में एक नया ले क्या तो, नया मोबाइल मोबाइल तो। सुबह सुबह पापा ने आपको बीस हजार रुपए दिए और आप शाम को नया मोबाइल लेके आते हो पापा सवाल नहीं पूछेंगे पापा को पता है मैंने जो पैसा दिया था ना मेरे बेटे ने मेरे पैसे से मोबाइल लेके आया बट मान लो पापा ने पैसा दिया आपको और शाम को नया मोबाइल लेके आए पापा बोले मोबाइल तो परचेज किया बोलते नालायक लायक पैसा तो थे किससे परचेज किया अब बोलते तो क्या फर्क पड़ता है मोबाइल लाया ना मैंने क्या करना तुम किससे भी लेके आऊंगा पापा थप्पड़ मारेंगे चुपचाप बता किससे लेके आ क्योंकि पापा को पता है जिससे लेके आए थे ना उसको पैसा लौटाना पड़ेगा तो जब उधारी में परचेज करते हो तो आपको सामने वाले बंदे का नाम पता रहे चाहिए तो बात समझना जब कैश में परचेस करते हो तो हमारे पास कैश होता है जब उधारी में परचेज करते हो तो हम कैश अकाउंट ले नहीं सकते हमें जिस बंदे से परचेज किया उसका नाम लिखना पड़ेगा बोलो नाम क्या है? नाम क्या है? सर क्वेश्चन में नाम तो दिया है तो काम करते है। अगर भाई साहब किससे परचेस क्या है किससे परचेस क्या है वो याद नहीं आ रहा है उसको एक सुंदर सा नाम देंगे एक सुशील सा नाम देंगे क्या अगर किसी से आप परचेस करके आते हो अगर आप किसी से परचेस करके आते हो तो उसको पैसा आपको देना पड़ेगा थिंक फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू आपने परचेस किया आप उसको पैसा देने वाले हो जिसको पैसा देना है जिसको पैसा देना है वी कॉल इट एज अ क्रेडिटर हम उसे क्या बोलते हैं क्रेडिटर बोलते हैं समझा है क्या नालायक जिसको पैसा देना है वो आपके लिए क्या होगा क्रेडिटर होगा समझा क्या या सनो तो यहां पे मैंने पोस्टेज स्टैम्प परचेस किया यूज करूंगा पर पैसा दिया क्या पैसा दिया तो कैश आएगा पर पैसा नहीं दिया है तो बंदे का नाम आएगा अगर बंदे का नाम दिया राम दिया है तो राम लिखो शाम लिया तो श्याम लिखो अगर बंदे का नाम नहीं है तो हम क्या बोलेंगे क्रेडिटर बोलेंगे जैसे जब बेटा जी पानीपुरी खाने जाते हो अगर पानीपुरी का नाम नहीं पता आप क्या बोलते हो ओ भैया जी बोलते हो कल तो वो भैया जी बोलते हो ऐसा ना बेटा ओके बेटे होटल में देखो बच्चों बताया बड़े होटल में बताया जब खाना खाने जाओगे ना तो वेटर को बुला रहे हैं ये नहीं बोलोगे शुक शुक, नहीं, नहीं बोलोगे अब क्या बोलोगे भैया दादा बॉस ओके जो भी आपका नाम देना बोलेंगे बेटा जी हा के नहीं होटल के काउंटर पे गए बिल पे करना है काउंटर बंदा बेटा नाम नहीं पता आप क्या बोलोगे कैश जी ओके अरे भैया अरे मालिक आपको जो बोला हम बोलेंगे हाँ बेटा जी वैसे यहां पे अगर जिस बंदे को पैसा देना है उसका नाम नहीं पता है तो अकाउंट में उसका नाम क्या होता है क्रेडिटर क्या हैं क्रेडिटर जिसको पैसा देना है उसे क्या क्रेडिटर. अब मेरा सवाल यह है नेचर बताओ पोस्टेज स्टैम एक्सपेंस ये तो आपको पता है लेकिन बताओ क्रेडिटर क्या है? बोलो भाई साहब क्रेडिटर क्या एसेट लाइबिटी, एक्सपेंस इनकम कैपिटल क्रेडिट क्या क्रेडिटर उससे पैसा आने वाला है या उसको पैसा देना है पैसा देना है वो टेंशन आ रहा है तो जो पैसा देना है वो हमारी क्या है लाइबिटी जो पैसा देना है वो हमारी क्या है लाइब्रिटी तो भाई साहब यहां पे पोस्टेज कौन है को ना आपका एक्सपेंस है बट क्रेडिटर कौन है आपका लाइब्रिटी और लाइब्रिटी का नेचर क्या होता है क्रेडिट होता है समझा क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हो अंडरस्टैंड कर पा रहे हो बोलो यस और नो आप सोचिए कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होगा बोलो भाई साहब पोस्टेज परचेज किया स्टैम्प परचेज किया खर्चा बढ़ गया कम हो गया सर खर्चा बढ़ गया खर्चा बढ़ेगा तो एक्सपेंस का अकाउंट क्या होगा डेबिट खर्चा बढ़ेगा एक्सपेंस क्या होगा डेबिट पर सर 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 खर्चा तो बढ़ गया पर सर साथ में सर उधारी में लेके आए थे सर उससे हमारे उधारी बढ़ गई ना सर उधारी मतलब क्या है लाइबिलिटी बढ़ गया ठीक है लाइब्रेटी बढ़ता है तो लाइब्रेटी क्या करे क्रेडिट लाइब्रेटी पहले से कौन था क्रेडिट लाइब्रेटी बढ़ा तो और क्या होगा क्रेडिट हो जाएगा लाइब्रेटी बढ़ेगा तो और क्या क्रेडिट हो जाएगा देंट, सबको झेपा करना लायक सबको झेपा करना लायक मैं दोबारा बता रहा हूं पोस्टेज मतलब स्टैप एक्सपेंसिव खर्चा जी वैभव मेरे भाई वैभव मेरे भाई अगर कुछ नहीं बोलाए तो कैश और बेटा नहीं बेटा अगर कुछ नहीं बोला है हमेशा बेटा अज्यूम करना क्रेडिट में परचेस किया अकाउंटा रूल है बेटा हम आगे जब बेटा जब अकाउंटिंग पढ़ेंगे जब इश्यू ऑफ शेयर पढ़ोगे डिबेंचर पढ़ेंगे हम हमेशा ऐसा बिलीव करेंगे तो शेयर होल्डर जब कुछ नहीं बोला तो हम बिलीव करेंगे शोल्डर से पैसा आना बाकी वी ऑलवेज अज्यूम

पोस्टेज अकाउंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिटर्स अकाउंट इज क्रेडिड तो हम क्या लिखेंगे पोस्टेज स्टैंप अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स तो दिस इज माई करेक्ट एंट्री दिस इज माई करेक्ट एंट्री समझा क्या तो फसने का नहीं है फसने का नहीं है अच्छे से समझना है ओके चलिए अब एक काम करो बेटा समझा बेटा होगा इसका प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट निकाले समझ निकाले बच्चों निकाल निकाल स... निकाल पुरुषोत्तम मेरे भाई पचास अकाउंट का एंट्री कब मैं सब बताऊंगा 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 बेटा जी मैं सब बताऊंगा बेटा आगे बताऊंगा मेरा डालक मुझे तुम रहे हो नालक मेरे डालक मुझे रहे हो तुम लोग चले फोटो निकाल इसका यस yes. अब इसका फोटो निकालो और स्पेशल है, जो बच्चों का अकाउंट वीक है ये सारे इंटरेस्ट शाम को प्रॉपर समझना है जिस तरीके से हमने बताया बच्चों वैसे ब्रेक करके पढ़ने का अंडरस्टैंड करने का है, फिर से लिख के देखने का है, जब दो से तीन बार करेंगे तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा समझा क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं महेंद्र बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती है गलती होने दो बेटा जी बस यहां पे गलती होता चलेगा एग्जाम में गलती नहीं एग्जाम में गलती नहीं करना आप देखो यस इसका फोटो निकाल इसका फोटो निकालिए यस आज का होमवर्क आज का होमवर्क अब इसमें देखो मैंने पहले पांच एंट्री करके बताया आगे के सारे एंट्री आपको करा आगे सारे एंट्री आपको करने देखते अगले इक्या में कौन कितना सही करके आता है होमवर्क ले लो इसका फोटो निकालो इसका फोटो निकालो ये पांच एंट्री मैंने करके बता रुको और एक पेज बाकी है ये तीन एंट्री आपको करने होमवर्क के इसका फोटो निकाला क्या आप इसका भी फोटो निकालो इतने सारे एंट्री हा बेटा जितने सारे एंट्री पास करने की टाइम लगने दो टाइम लगने दो और ये जितने भी एंट्री होंगे इन सबका बेटा आंसर हो सके तो आज के वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखो कमेंट बॉक्स में लिखो देखते किसको कितना आता है आज के वीडियो के कमेंट बॉक्स आंसर आंसर लेकर लिखो कमेंट बॉक्स में

अटेंशन मतलब बेटा नेक्स्ट वीक से आपका टाइम हम बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीक से हर क्लास आपका डेढ़ घंटा चलेगा चलेगा क्या स्टार्टिंग में ज्यादा करो आपको मेन क्या बच्चों तो भूख भी लगती है तो थोड़ा थोड़ा सा बेटा हमें स्लो स्लो चलना पड़ता है स्टार्टिंग में ओके okay. और क्या मुझे अभी तब पता नहीं ना आप कितने कंफर्टेबल हो मैंने मैंने ज्यादा पढ़ा दिया और आपके दिमाग से ऊपर से गया तो बेटा ओके okay. तो इसलिए मैं आराम आराम से ले रहा कोई दिक्कत नहीं है हम बाद में टाइम बढ़ा देंगे चलो, बस आपको बड़ा अच्छा लगा आपको समझ में आ रहा है ये मेरे लिए खुशी की बात है मेरे लिए की बात है और बेटा जी अगर आपको लेक्चर अच्छा भी लगा तो बेटा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको लेक्चर कैसे लगे कैसे लगे ओके डू शेयर फीडबैक आपका जो भी फीडबैक रहेगा बेटा करो करो शेयर कीजिए अच्छा बुरा जो भी लगा रहेगा ओके चले टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय ना ही पर क्या बात है <laughs> अभी ट्रेलर चालू है बेटा अभी मेन मजा आना मेन पिक्चर आना बाकी है पिक्चर आना बाकी है थैंक यू शॉर्नियो बेटा थैंक यू बेटा महेंद्र भाई भाई टाइमिंग का हम कोशिश करेंगे लेकिन बेटा टाइमिंग का बोलू प्रॉब्लम बेटा क्या देखिए कि कुछ बच्चों को कॉलेज बेटा सुबह कुछ क्या बेटा कॉलेज दोपहर में बेटा तो टाइमिंग बेटा कहीं नहीं किया पड़ेगा और बेटा कहीं नहीं की और आपके पास बैकअप ऑप्शन तो ही बैकअप ऑप्शन तो ही बेटा तो एटलीस्ट एक ना एक बेटा लेक्चर थोड़ा सा क्लैश होगा स्टिल विल ट्राई अवर बेस्ट Yes, बेटा ये यूट्यूब का बेटा आज का लास्ट सेशन यूट्यूब का लास्ट सेशन का बेटा जी राइट right? ओके okay? चलो बच्चा लोग तो बच्चों देखिए अभी मस्त बेटा जी एक काम करेंगे अभी आराम से एंजॉय करो और कल छुट्टी है कल छुट्टी ओके okay? और हम जल्दी बेटा जी आपको कल परसों तक आपको ऐप में ऐड कर देंगे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्या बात अश्विन वेरी गुड बेटा विश्व वेरी गुड थैंक यू सिद्धि थैंक यू विधि बेटा चलो टेक केयर टेक केयर टेक केयर बाय बाय बेटा बाय बाय